शुक्र है हमारा रस्ट बकेट एक बहुत ही कूल जगह पर खराब हुआ है। मुझे पता नहीं था कैलिफोर्निया में हवेलियां भी हैं। हवेली नहीं, ये है डोसाइल ड्रैगन डोमिसाइल। मैंने पढ़ा था ये एक मशहूर साइलेंट कॉम्यून है। कॉम्यून क्या होता है? ये एक ऐसी जगह है जहाँ आध्यात्मिक लोग साथ रहते हैं। इन सब ने मौन व्रत रखा है। ओह, इस वक्त ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। बस इस कम्यून में खाना खाने पर कोई पाबंदी ना हो। पता करने का एक ही तरीका है। ओह, सॉरी, लेकिन हम भड़क गई। मौन व्रत, मैंने बताया था ना। मैं कुछ ट्राई करता हूँ, मुझे शायद इसकी भाषा आती है। तो मोहतरमा, क्या आप थोड़ा सा खाना मुहैया करवा सकेंगे? शांति। ग्रैंडपा, ये हिप्पीज नहीं हैं, बस बहुत ही आध्यात्मिक हैं। मैडम, हम आपकी रोशनी पहचानते हैं, हम बस कुछ थके हुए मुसाफिर हैं जिन्हें मदद चाहिए। क्या हम लोग जरा एक मिनट रुकिए, इसमें तेल को बीच में लाने की क्या जरूरत है? ये हमें अंदर ले जा रही है, इसके बदले तुम्हें हजारों दुआएं मिलेंगी मेरी बहन। आपको मेरा प्रणाम वगैरह वगैरह। मेरा वाला बेहतर था। आसमान, तारा, शाइन, इसका नाम स्टार शाइन है। रुको, शायद ये हमें कॉम्यून के रूल्स बता रही है। पहला रूल, मौन व्रत की कसम खाओ। बहुत आसान है, समझो ये मुंह बंद हो गया। आपको एक शब्द, देखिए मैं भी आवाज आती है मैम। रूल नंबर दो, नहीं चलना जाना, उस सेक्रेट टेंपल में जाना मना है। हाँ जरूर, जो भी टेंपल मना, बोलना मना, समझ गया। खामोश बेन मोड एक्टिवेट। मैं तुमसे ज्यादा खामोश रहूंगा, देख लेना। मैं कोशिश किए बिना ही जीत जाऊंगी। मैं ही जीतूंगा करके बहुत बहुत कोशिश। सबसे ज्यादा खामोश कौन रहेगा वाला गेम, इसके बारे में मैंने क्यों नहीं सोचा। ये आवाज कैसी? वेल, मेरी भूख मर गई। वो अब हमें खा जाएगा। हो गया कबाड़ा मौन व्रत का। सिर्फ हमारी खामोशी ही उसे शांत रखती थी, और उस टेंपल के क्रिस्टल्स। क्रिस्टली चीजें उसे ठंडा कर सकती है, तो फिर मेरे पास उसके लिए कुछ है। रुको, हमेशा इतना उतावला रहता है हर एक पल। हे मिस्टर ड्रैगन, और डांस करें। डायमंड्स, ड्रैगन स्कून से खौफ है। हार मानते हो? यकीन मानो, मैं सब कर लूंगा। ओह हाँ, ये आग उगलता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, चलो हो जाए बिग बॉय। Okay, शायद बस थोड़ा सा मुमकिन है कि शायद मेरी मदद करो। ये क्या पढ़ रही हो? टोमो साली करोटीला, टोमो साली करोटीला। मुझे ये एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा पसंद नहीं। तुम्हारा ऑरा ग्रीन कैल्साइट वाला है, तुम्हारे जरिए सही एनर्जी भेजने से उस ड्रैगन के ऑरा को सुकून दे सकते हैं। हाँ जरूर, दे दो सुकून, उसे सुकून की जरूरत है। जरा शांत हो जाओ, क्रिस्टल्स को अपने काम करने दो, बैठो और धीरे धीरे सांस लो। कोशिश करता हूँ, यूँ तो मैं हर रोज ही बैठता हूँ। चोमो साली करोटीला, चोमो साली करोटीला। इससे बात नहीं बनेगी। बेन, तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा, इससे बात बनेगी। ध्यान केंद्रित करो, सुकून महसूस करो। शूश,
ये कौन है बेस्ट? मैं हूँ सबसे बेस्ट। ओके, चलो इस मोटे भाई साहब को उसके घर पहुंचा दे। मैं फिर से आ रहा हूँ, जैसे ही मुझे मेरी सुपर स्पीड वापस मिल जाए। बेन, समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी स्लाइड में पहले बैठूं? मैं सब में बैठ चुका हूँ, सारी अच्छी हैं, लेकिन ये वाली बेस्ट है। सारी? हमें यहाँ आए थोड़ी ही देर तो हुई है, तुमने वॉच इस्तेमाल किया? चीटा चीटा लाइन बीटा, एक्सेलरेट बेथिंग सूट में कैसा लगता है? काफी अच्छा, कटर कटर लाइन बटर। हाँ, जब तुम इस तरह के स्टंट्स करते हो, दिल करता है मेरे साथ कोई ऐसा कजन हो जो एलियन ना हो और इरिटेटिंग ना हो। विन! वो फ्रीडा है, हम आज सुबह ही मिले हैं। लगता है मेरी पाक वाली दोस्त तुमसे पहले टावर में जाएगी। वेन, वो फ्रीडा नहीं है, वो फ्राइट विग है। एक मिनट रुको, क्या हम दोनों एक ही लड़की की बात कर रहे हैं? वो क्यूट सी हैट वाली, वो जो दुनिया की सबसे भोली लड़की लगती है। पता नहीं और कितनी जोर से सिर हिला सकता हूँ। ग्वेन, इससे मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ बच्चों वाले पूल में खेलो। वाओ, जानती हो तुम पानी के आसपास पागल हो जाते हो, लेकिन शायद अभी दिमाग में पानी भरा है। मैं फ्रीडा के साथ वेट करती हूँ। टिंग से आपको मदहोश करने से पहले मेरे प्यारे फैंस, मेरे पास एक जादुई ट्रीट है। जादू? उसने जादू कहा? ये वही महल है जहाँ पर वर्कर्स को वो मशहूर टूम मिला, जिससे मुझे पूरी ग्रिमो सीरीज लिखने की प्रेरणा मिली, मशहूर ग्रिमो ऑफ आर्कमाडा। मेरी प्राचीन कॉप्टिक जरूर पुरानी है, लेकिन ये ट्रांसलेशन आपको जरूर इम्प्रेस कर देगा। कहानी हेक्सिस की, सांपों का राजा और उनका मेकओवर। और बात ये थी कि सांपों की इस दुनिया में रेंगता था सबसे ताकतवर किंग हेक्सिस। ये किताब सीरियस नहीं, बोरिंग है, मैं तो चला। और फिर हेक्सिस ने कसम खाई कि वो बिगाड़ देगा उसका विग और फिर उसके भाई को, क्योंकि उसने कयामत के कुकी जार में डाला था। बहुत हुआ। जी फरमाइए। मैं तुम्हारे इस बोरिंग सी बकवास को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे इस किताब में कितनी ताकत है। क्या तुम प्रमोशन का एक हिस्सा हो? मैनेजर ने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब मैं तुम्हें ग्रिमॉय ऑफ आर्कमाडा की असली ताकत दिखाऊंगा। एक्सोस एटी वेंचुगला लेगाबाज एके पोयम एनिमे माय दे मेजे पोटेशन आरेंजर। और इस तरह हम दोनों का साथ खत्म हो रहा है। जैसे ही मैं तुमसे निपट लूंगा नन्हे चूहे, मैं ग्रिमॉय की ताकत इस्तेमाल करके पृथ्वी के हर एक जीव को मेरे आगे रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। देखो, तुम्हें दुनिया पर कब्जा करने के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सांप पसंद नहीं। और वक्त बर्बाद मत करो। अच्छा? हाँ। क्या तुम श्योर हो? हाँ। पकड़ा गया। शायद पूछना चाहते हो कौन?
या फिर किसने? ग्रामर में वैसे भी कच्चा हूँ, जो भी हो मैं हूँ डायमंड हेड। तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन की पावर मेरे जादू के आगे कुछ नहीं। मजाक कर रहे हो? पहली बार मुझे बुक्स पर प्यार आ रहा है। तुम मुझसे बेहतर नहीं हो सकते, तुम एक नाजो से क्रिस्टल हो और अब टूटने के लिए तैयार हो जाओ। गॉड है नाजो। बेन, तुम्हें वो किताब मिली? समझ गया, इनकी लिखी किताब तुम्हें पसंद है पर ये पढ़ने का वक्त नहीं है। वो इसकी ताकत का जरिया है मिस्टर बुद्धू। मेरा सर इतना भी खाली नहीं है। खेल का वक्त खत्म हो गया बच्चों। Not ego summoning Columbrum. Take no his thing, Columbrum. रुको, मुझे लगता है वो किताब ही इसकी ताकत का जरिया है। अब तुम्हारा खेल खत्म होगा। क्या ये कोई मजाक था? उसे वापस करो। सॉरी, ये किताब ओवरड्यू है। सुना, इसे कहते हैं जोक। पढ़ना बहुत जरूरी होता है। लिस्पस ओवन विक्टो एना मिसुस। हम दोबारा मिलेंगे बच्चों।